सर फोर रॉन्ग आंसर माइनस फोर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आपका वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है और सेकंड में आपसे पूछ रहा हूँ इसी एक्सप्रेशन में आपका एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा फर्स्ट आपको वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा ये बताओ अभी तक तो जितने भी रिप्लाई आए सभी रॉन्ग का कोफिशिएंट 4 1 स्क्वायर सर वाई स्क्वायर का 4x और x का 4 सर जो वाई स्क्वायर है उसका 1 स्क्वायर है कोफिशिएंट चैतन्य का तो एकदम गलत आया और एक नमन है ठीक है नमन का करेक्ट नमन का करेक्ट आंसर है देखो अगर मैं सिर्फ वाई स्क्वायर अब कोई नहीं बोलना ठीक है जब मैं बोलूं तब फिर रिप्लाई कर रहा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा हूं हमारे पास में टर्म क्या है 4xy2 तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 4x हो रहा है इसका क्या है आपका 4x और अगर मैं सिर्फ x के कोफिशिएंट करूं तो इसका आंसर क्या आ रहा आपका 4y2 इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट फर्स्ट वन इज न्यूमेरल कोफिशिएंट फर्स्ट वन आपका क्या है न्यूमेरल कोएफिशिएंट एंड सेकंड इज वेरिएबल है ना सेकंड आपका जनरल एक तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में सिर्फ आपका नंबर होगा फॉर एग्जांपल अगर मैं 4x है 4x में मैं पूछूं कि इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा तो सिर्फ इसका 4 आ रहा है अगेन अगर मैं इसी एग्जांपल 4xy2 में 4xy2 देखो 4xy2 है ना इसमें वनली अगर मैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करूं मींस नंबर तो ये इसका आंसर क्या होगा 4 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मींस उसमें नंबर नहीं सिर्फ नंबर लेकिन कोएफिशिएंट लेकिन अगर कोएफिशिएंट क्या हो रहा नमन मना क्या होना अब देखो अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा हो कि राइट द वनली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन अगर वनली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जिक्र कर रहा है तो आपको सिर्फ नंबर लेना होगा जैसे 4 लेकिन अगर आपको सिर्फ लिखना है क्वेश्चन में कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन टर्म मींस 4x2 में लिखा रहेगा कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ y2 तो y2 का कोएफिशिएंट सिर्फ 4 नहीं होकर 4 और x है क्यों क्योंकि हमने वहां न्यूमेरिकल का जिक्र नहीं किया सिर्फ कोएफिशिएंट का जिक्र किया है तो कोएफिशिएंट में आपका 4 भी है और x भी है लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में जिक्र हो सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का तब आपका वो नंबर से आएगा तो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ क्या माने ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जैसे ये जो सम था मतलब ये जो आपने लिखा था एक्सप्रेशन 4xy2 तो उसमें मान लो आपने मुझे 4 का पूछा 4 का क्या कोएफिशिएंट तो xy2 लिख सकता हूँ ना मतलब जिस चीज का पूछे नहीं 4 ही खुद एक कोएफिशिएंट है अरे वो थोड़ी बोल रहा हूँ जैसे मान लो x का बोले तो x को छोड़ के क्या बचा 4 और y स्क्वायर तो वो उसका हो गया ना कोएफिशिएंट उसका कोई कोएफिशिएंट ही नहीं होएगा ना अरे भाई तो नहीं समझा शायद जो मैं बोला अब देखो सेम क्वेश्चन है 14xy2 में अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की मैं बात करूं कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 14xy2 तो इसका आंसर क्या होगा वनली 14 14 हमारा नंबर है लेकिन अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x इसमें न्यूमेरिकल का कहीं जिक्र नहीं है तो x का कोएफिशिएंट क्या रहा 14y2 कौन कर रहा है इस तरह से सर सक्षम रिमूव कर दूं क्या क्लास मेरा नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है सक्षम अगर दोबारा बोलोगे तो क्लास से सीधा रिमूव करूंगा है ना तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 14y स्क्वायर नाउ
नेक्स्ट अगर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, अगर मैं वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछूं तो आपका होगा 14x. ओके, अब ये अगर कॉन्सेप्ट आपका, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको. ओके, क्वेश्चन आपका सर चैट में भेजना. हाँ चैट में भेजना आप लोग क्वेश्चन. ने कोफिशिएंट का दूसरा टाइप नहीं बताया. एक मिनट. व्हाट कोफिशिएंट? एक तो आपका न्यूमेरल कोफिशिएंट हो गया नॉर्मल, सेकंड आपका कोफिशिएंट. अगर कोफिशिएंट है तो उसमें फोर और एक्स भी आ सकता है, नंबर्स और वेरिएबल भी. लेकिन अगर जहाँ सिर्फ न्यूमेरल कोफिशिएंट की बात हो तो न्यूमेरल कोफिशिएंट में सिर्फ आपका नंबर ही होगा, वही है आपका. सो ओके सर, व्हाट आर द secant of x? First aapka 4y plus 15 x cube. Second aapka 50x plus 13y. Third hai 25xy square plus 2. अभी मैं, चलो आपको जब रिप्लाई करना है तो सबसे पहले सिर्फ ऑप्शन वन का रिप्लाई करना. अभी आप मैसेज में सिर्फ इसका रिप्लाई करो. x का सर, सर 4y plus 15. नहीं मैं बोलो नहीं, अब मैं मैसेज रीड कर रहा हूँ, रुक जाओ. ओके सर, सिर्फ फर्स्ट का रिप्लाई करना. चलो मैं एक क्यूबिक को हटा रहा हूं, है ना. ये चैतन्य रिप्लाई किसका किया हो, फर्स्ट का ही किया हो? सर मैं फर्स्ट का रिप्लाई किया हूं. फिर से रिप्लाई चाहता है ना, दोबारा मैसेज करो. ओके सर, लक्ष्य का करेक्ट आंसर है. और ये नमन कौन सर, मैं रिसीव हुआ क्या? मैं भी किया सर. सर फिर रिप्लाई, सर सॉरी ना, गलती से 51 लिखा गया है, एक्चुअली मैं फिर से रीसेंड कर रहा हूं. लक्ष्य कौन सा कर रहे हो बेटा? मैं क्वेश्चन ऑप्शन में 1 का पूछ रहा हूं, आप 2 का रिप्लाई कर रहे हो. गुंजन सर मेरा आंसर सही है. पूर्वांश कितनी बार मना करने के बाद भी आप नहीं, सभी का इधर उधर कर रहे हो आप. 2 और 3 का क्यों कर रहे हो आंसर जब मैं सिर्फ फर्स्ट का पूछ रहा हूं? तो सारे लोग सभी का कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3. मैं आपको सिर्फ अभी 1 का तो करो ना, मैं 1 से ही तो समझूं कि कितने बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कितने का नहीं. सिर्फ 1 का करो, x का कोफिशिएंट क्या आ रहा सिर्फ वो लिखो. इक्वेशन लिख, एक्सप्रेशन क्यों लिख रहे हो? कई सारे बच्चे 4y plus 15x लिख रहे हैं. आप सिर्फ कोफिशिएंट लिखो. सर मैं रिप्लाई कर रहा हूं, पूर्वांश का, पूर्वांश का रॉन्ग है. ओके सक्षम जैन फिर से एक्सप्रेशन लिखो. सर मेरा मना करने के बाद भी चैतन्य ने फिर से वही लिखो एक्सप्रेशन. सर मेरा, सर मैंने आपको 19y भेजा है. हाँ चैतन ने मना करने के बाद भी एक्सप्रेशन ही लिख रही हो. सर लिख दिया फिर से अब तो. सर मेरा ठीक है, मैं फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ. फर्स्ट का देखो, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? एक्स का कोफिशिएंट आपका सिर्फ है 15, फर्स्ट का आंसर. ओके सर मैं प्लस 15 निकाल सकता हूं. ठीक है, वो 15 मींस प्लस 15 ही है. सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का आंसर सर सेकंड का 50 है. वेरी गुड, सेकंड का आपका 50 है. और थर्ड का आंसर? थर्ड का मैसेज में करो, मैसेज करो थर्ड. यस थर्ड का मैसेज करो. सर ले रिप्लाई कर दिया. गुंजन का करेक्ट आंसर है, उसके बाद सक्षम करेक्ट, और कौन है? अरहम. सर मेरा राइट आंसर है क्या?
अरहन थोड़ा सा मिस्टेक है, हार्दिक हार्दिक क्या गलत लिखो, नमन का 27 रॉन्ग है आपका, चैतन्य सर मेरा करेक्ट है, चैतन्य का ठीक है। तो बाकी के जिनका आंसर करेक्ट नहीं आया है वो देखो, मैं एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ, तो करेक्ट अरहम का भी करेक्ट है और हार्दिक का भी करेक्ट आया। हाँ वेरी गुड है। अब आपको x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट अब आपका क्या आ रहा है 25y2। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोफिशिएंट में एक नंबर का जिक्र कर चुका हूँ, अगर मैं सेम क्वेश्चन राइट द ये मैं करूँ ऐसा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ओके, और ये आंसर मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आपको जो आंसर करना है मैसेज में, हाँ अब आप क्या करना कि आंसर को 1, 2, 3 का कंबाइन कर और उसमें करो मैसेज में करो एक साथ करना, 1 का करना फिर कॉमा फिर 2 का करना कॉमा फिर 3 का कॉमा और एक साथ एंटर करो। ये आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ना। हाँ सर लो मेरा रिप्लाई देख लो, गुंजन का करेक्ट है सर मेरा, चैतन्य का करेक्ट है, अरहम का रॉन्ग है, अरहम का अरहम जैन गलत, गलती किया ना बेटा, न्यूमेरिकल मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है। लक्ष्य करेक्ट आंसर, नमन रॉन्ग आंसर है आपका, और 19 तो कहीं क्वेश्चन में जिक्र भी नहीं है, 19 कहां से लिख रहा हूं नमन। पूर्वांश रॉन्ग आंसर है, पूर्वांश का रॉन्ग है और अरहम का करेक्ट है। नेक्स्ट सूर्यांश, सूर्यांश का आया ही नहीं है रिप्लाई, फिर से करो रिप्लाई। नमन का फिर से रॉन्ग आंसर है, नमन आप समझ नहीं रहे क्वेश्चन ही आप नहीं समझ रहे हो इसका मतलब। अभी मैं डिफरेंस बताया हूँ ना कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है नमन। सूर्यांश मैसेज नहीं आया करो रिप्लाई करो। फिर से रिप्लाई करो सूर्यांश। सर ये वाला चैप्टर का एक्सरसाइज हो चुका है। हाँ ये कंप्लीट है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ये रिवीजन हो रहा है। सूर्यांश आपका रॉन्ग आंसर है, क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में पूछ रहा हूँ और आप क्या रिप्लाई कर रहे हो। सर हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, कब का आपका। हार्दिक जैन करेक्ट है। हाँ देखो इसमें इसमें सूर्यांश का रॉन्ग है और नमन का भी रॉन्ग है ना, और कई लोगों का रॉन्ग आंसर है। हाँ बोल। अब इसका करेक्ट आंसर देखो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में पूछ रहा हूँ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मींस आपको सिर्फ नंबर्स लिखना था है ना, वेरिएबल्स नहीं है। न्यूमेरिकल में आपको वेरिएबल ऐड ही नहीं करना, अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एग्जाम में पूछा जाए तो मींस आपको सिर्फ नंबर को मेंशन करना। तो एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपका क्या आया आंसर 15, एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आया 50, अब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 25y2 है, वो कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर भी कोफिशिएंट है एक्स का, लेकिन वाई स्क्वायर हमारा वेरिएबल वाला कोफिशिएंट है। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के लिए एक्स का हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सिर्फ होगा 25। एक लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है 14y2 प्लस एक्स माइनस 50, इसमें आपको x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है। करेक्ट आंसर है गुंजन का, पूर्वांश का करेक्ट है और सूर्यांश का रॉन्ग आंसर है, फिर नमन का भी करेक्ट आया है नमन का। सर अब मुझे क्लियर है। सक्षम का करेक्ट है सर मेरा, और रिप्लाई करो एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ, लिखो मैसेज करो एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट।
चैतन्य पाठ लावण्य रॉन्ग आंसर है रॉन्ग आंसर है लावण्य एक्स का 50 कैसे लिख रहे हो लावण्य आंसर एक्स में तो कोई 50 है ही नहीं मैं इस आपको इसका आंसर करना क्वेश्चन नंबर 4 इसका आप रिप्लाई करो 2 का क्यों कर रहे हो रिप्लाई लावण्य ये तो हो चुका आप क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई करो एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सर मेरा कैसे रहोगे सूर्यांश फिर से मैसेज करो ना फिर से मैसेज करो सूर्यांश फिर से मैसेज करो सूर्यांश आपका तो एक भी मैसेज नहीं आ रहा हमारे पास सर मैं आपको रिप्लाई क्यों सर हाँ सूर्यांश किसका का आप रिप्लाई कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 का आप कर रहे हो रिप्लाई आपका जो आंसर है वो रॉन्ग नहीं रॉन्ग है ना एक्स का कोफिशिएंट 50 हो जाएगा क्या बताओ 50 तो हमारा अलग टर्म है एक्स का कोफिशिएंट कहाँ आपको 50 दिख रहा है जो आप 50 लिख रहे हो सर मैं तो सर कैसे बताएं 1 सर हाँ 1 यस इसका एक्स का कोफिशिएंट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 इनटू एक्स तो एक्स का कोफिशिएंट सिर्फ 1 आएगा अब सूर्यांश आपका आप 50 लिख रहे हो 50 आपको कहाँ दिख रहा है इसमें एक्स का कोफिशिएंट 50 कैसे आप लिख रहे हो अरहम जैन अभी तक के क्लास में मैं किसी को अभी तक रिमूव नहीं किया हूं है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टर्म से रिलेटेड है सो क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स इन द गिवन एक्सप्रेशंस फर्स्ट आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेकेंड 4x प्लस 5y प्लस 60 थर्ड है आपका 15x प्लस 3 4 है 15x 5 है 15 आपको इसका 1 by 1 ओके फर्स्ट का आपको आंसर बताना है मैसेज में सर मैं रिप्लाई किया हूं चेक कर रहा रुक जाओ लावण्य का करेक्ट है और पूर्वांश करेक्ट पहल का करेक्ट गुंजन करेक्ट आंसर है गुंजन आप तो सिर्फ क्वेश्चन रिपीट क्यों लिखो तो और नमन आप बेटा ट्राइनोमियल लिखो लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्म्स मैं पूछ रहा हूं है ना मींस आपको बताना होगा 1 है 2 है या 3 है लेकिन ऐसे करेक्ट है आपका लेकिन आप ट्राइनोमियल लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा ना क्योंकि आपको तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स मैं पूछ रहा हूँ करेक्ट है गुंजन गुंजन का 6 टर्म्स नहीं रॉन्ग है गुंजन 6 टर्म्स नहीं है देखो रुक जाओ आपको ये हो गया फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तो फर्स्ट का आंसर मैं बता रहा हूँ फर्स्ट के लिए इस नाउ देयर आर 3 टर्म्स इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छा एक बात बताओ आप ये जो आंसर जो लिखा है हो वो सभी का करेक्ट आंसर है लेकिन एक कंफ्यूजन है कि अगर
ये आपका 15x है, तो इसका फैक्टर पे जाओ तो यह है 15 और है x, ठीक है। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे तो नहीं है कि 15x को आप ये दो टर्म को सोच रहे हो, ऐसा हो क्या? Yes, sir. हाँ, अब उसका रीजन बता रहा हूँ। देखो एक्चुअली में ये जो आपका टर्म्स है वो किससे कंबाइन होता है, वो फैक्टर से कंबाइन होता है। जैसे 15x है तो 15 और x का फैक्टर पे आप जाओ तो ये है 1 फैक्टर इज 15 एंड अनदर फैक्टर इज x, सो देयर आर टू फैक्टर्स इन द टर्म 15x, आपका एक टर्म आ गया और इसमें आपका 15 आपका फैक्टर है और x आपका फैक्टर। इसे आप ये नहीं सोचना कि दो अलग अलग टर्म है। टर्म का मतलब है जहां आपका प्लस या माइनस का सिंबल हो वो आपका टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं ये 15 को लू तो 15 प्लस अगर x कर दो ना तो ये अब आपका 15 आपका एक फर्स्ट टर्म हो गया और x आपका क्या हो गया सेकेंड टर्म। अब ये इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या होता है बेटा, वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ आपका मल्टीप्लाई का तो सिंबल नहीं है ना। अब अगर आप इसको मैं इरेज रफ कर दो, ये तो हो गया आपका। देखो सर मतलब किसी भी के बाद अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो अलग टर्म हो जाता है? नहीं, प्लस और माइनस है तो वो टर्म में आ जा रहा है और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा तो वो फैक्टर डिवाइड। जैसे देखो अभी आप देखो ना 15 मैं ले रहा हूँ है ना, 15 प्लस x, तो 15 प्लस x में अब आपका ये कितने टर्म का, दे आर आर टू टर्म इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके फर्स्ट वन इज 15, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया और सेकेंड टर्म आपका x, सेकेंड टर्म आपका x हो गया। अब टर्म है तो वो फैक्टर से बना होता है, आपको मैं बताया तो 15 का फैक्टर क्या होगा बेटा। अब आप देखो मैं सिंपल सा अगर ले सकता हूँ तो 1 और ये 15, 1 इंटू 15 मीन्स 15 हो सकता है आपका। और x का अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो आपका 1 इंटू x आपका क्या हो गया फैक्टर आ गया। तो आप इस तरह का क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना। क्या कि एक क्वेश्चन अभी था आपका कि 15x है और ये 15 है ना, तो 15x भी आपका सिर्फ 1 टर्म है और 15 भी आपका क्या है 1 टर्म है। इसको कोई भी इसे दो टर्म मत समझना 15x को, ये सिंगल टर्म है ये। अगर डिवाइड हुआ सर तो क्योंकि बीच में इनटू आ रहे हैं इसलिए सर, क्योंकि इनटू को कोई मतलब वो नहीं होता। हाँ अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर बीच में y आ गया तो जैसे मैं 15x है ना, 15x और y ले लूं तो ये तो हमारा मल्टीप्लाई एक टर्म है सर, तो ये एक ही टर्म है। हाँ ये एक ही टर्म है लेकिन इसका फैक्टर पे अगर आप जाओ तो 15xy का अगर फैक्टर लो y 15 तो ये आपका x और y होगा, x और y ये आपका क्या हो गया फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका फैक्टर। तो आप में से जो कंफ्यूज कर रहे हो ना कि 15xy में ये हमारा तीन टर्म है, ये टर्म नहीं है, ये क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया। लेकिन इसे अगर आपको टर्म में कन्वर्ट करना है तो आप सिर्फ माइनस या प्लस का सिंबल को गौर करना। अगर मैं 15 प्लस एक्स प्लस वाई ले लूं तो अब आपके लिए 1 टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, सर ये 3 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गया सर। ब्रिक्स में ऐसी क्वेश्चन आएंगे बेटा, मैं प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ, रिविजन क्यों करवा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो ब्रिक्स के लिए। हाँ वो आएंगे आपको, और रिवीजन क्लास अगर आप करोगे तो आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा, क्योंकि इस बार मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं सेट कर रहा हूँ मैं, है ना आपका सर। ये तो गलत बात है। क्यों आपको हर बार मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे दूँ क्या? एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा लेकिन सर, वो ठीक है लेकिन सर एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस बेसिक होते तो उसको तो देना चाहिए सर। हाँ तो बेसिक ही तो है, तो ये सब क्या है बेटा, ये बेसिक नहीं है क्या, ये बेसिक नहीं है। और रिवीजन में जो बच्चे अब्सेंट कर रहे हैं उनका तो पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे प्रेजेंट हैं, ये भी तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हुआ ना, ये सब आपका बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखो है ना। मैं आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, टर्म बता रहा हूँ, फिर उसका फैक्टर बता रहा हूँ, इसी से तो रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। और कोशिश करो आपका जो डाउट हो वो क्लास में क्लियर हो जाए। हाँ सर, सर कितनी देर का पेपर होगा ये 20 मार्क्स वाला? ये हाँ 20 मार्क्स का है लेकिन ड्यूरेशन हमें नहीं मालूम है, वो आपको स्कूल से मैसेज मिल जाएगा सर। अगर 15 डिवाइडेड बाय x है तो वो एक ही टर्म होगा कि दो टर्म होगा? अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्या नाम है बेटा आपका? सूर्या सर, मैंने किया हूँ, सूर्यांश किया था। सूर्यांश देखो सूर्यांश का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ये 15 अपॉन x पूछा है,
यही पूछे हो ना बेटा, तो ये दो दो होगा दो। हाँ अब देखो 15 अपॉन एक्स है, ये एक्चुअल में कोई भी टर्म में नहीं आएगा। सर कौन कौन से चैप्टर आएंगे उससे क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा आपका? एक्सप्रेशन मैं आपको बताया हूँ कि एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन अगर आपका फर्स्ट टर्म है तो आपका मोनोमियल हो गया, सेकेंड टर्म है तो आपका बाइनोमियल हो गया, ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन ये सारे के सारे जो टर्म है, मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, एक्चुअली में वो क्या होते हैं? पॉलीनोमियल होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीनोमियल। और अगर वो पॉलीनोमियल है तो अब आप इसे देखो, फिर से मैं जा रहा हूँ, अब आप पॉलीनोमियल पे आओ। पॉलीनोमियल में सिंगल टर्म है उसे मोनोमियल कहते हैं, अगर डबल टर्म है तो बाइनोमियल कह रहे हैं, और अगर ट्रिपल टर्म है तो ट्राइनोमियल कह रहे हैं। लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना, जो भी पूछे हो, जैसे भी पूछे हो, ये मत सोचो ये ऐसा क्वेश्चन है कि क्लास 9 तक ये आएगा, और इसका रीजन आपको जानना जरूरी है। इसी से रिलेटेड 15 बाय एक्स से, सर मान लो अभी 15, रुक जाओ अभी डॉट क्लियर नहीं हुआ, रुको मैं म्यूट कर रहा हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए म्यूट रहो बेटा, दो मिनट के लिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 9 तक में आपको आएगा, 12 और पूछा जाएगा, 10 में भी पूछा जा सकता है ना। अब आप समझो, फर्स्ट आपको पॉलीनोमियल है तो पॉलीनोमियल में अगर कोई सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, डबल टर्म है तो बाइनोमियल, और ट्रिपल टर्म है तो ट्राइनोमियल है, तो वो सब का कैटेगरी पॉलीनोमियल का। लेकिन अब अगर आपका एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है तब तो आप काउंट करोगे ना कि वो वन टर्म का है कि डबल टर्म का है कि ट्रिपल टर्म का है। अगर आपका एक्सप्रेशन मतलब पॉलीनोमियल है ही नहीं तो आप कैसे काउंट करोगे कि वो सिंगल टर्म है डबल टर्म है? अब हमें देखना है कि 15 अपॉन एक्स वेदर इट इज कंसिडर्ड एज ए पॉलीनोमियल और नॉट, क्या ये पॉलीनोमियल है, पहले आपको ये वेरीफाई करना होगा। तो पॉलीनोमियल का कंडीशन क्या होता है कि पॉलीनोमियल में किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी एक्सप्रेशन है ना, अगर मैं उसे डिवाइड करूं किससे, वेरिएबल से, वेरिएबल से, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर मैं वेरिएबल से डिवाइड कर दूं तो वो पॉलीनोमियल कभी भी नहीं होगा, है ना, वो पॉलीनोमियल कभी नहीं होगा। अभी जैसे आपके पास 15 और एक्स है, ये आपका 15 हो गया और एक आपका x हो गया, मैंने 15 को क्या किया, डिवाइड किया x से, 15 आपका सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर है, वो भी पॉलीनोमियल होता है सिंगल टर्म, लेकिन मैं इसे डिवाइड किससे कर रहा हूँ, वेरिएबल से। तो जब मैं वेरिएबल से डिवाइड कर दिया तो अब तो ये पॉलीनोमियल है ही नहीं, और जब ये पॉलीनोमियल है नहीं तब आप कैसे करोगे कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल, क्योंकि पहला कंडीशन तो आपको फुलफिल करना है ना कि अगर वो पॉलीनोमियल है तब हम उसका टर्म को काउंट करेंगे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, ये तो आपका पॉलीनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है पॉलीनोमियल? क्योंकि ये डिवाइड किससे हो रहा है, वेरिएबल से हो रहा है। तो ये सारा ये आपका बेसिक चीज है कि एक्सप्रेशन का, जो मैं एक और आपको एक रीजन दिया था, कंडीशन क्या था पॉलीनोमियल होने के लिए, फर्स्ट कंडीशन ये था आपका कि जो एक्सपोनेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर मींस प्लस 2, ये किसका है, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। अगर मैं 4x टू द पावर माइनस लूं तो आपका क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट हमारा पॉलीनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉलीनोमियल? क्योंकि 4x स्क्वायर है, x को मैं अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो 4 अपॉन x स्क्वायर हो रहा है ना, क्योंकि यहां माइनस 2 है, नीचे गया तो हमारा प्लस 2 हो गया। अब देखो ये 4 को डिवाइड किससे कर रहा है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो उसका शॉर्ट में यही बताया कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर मैं डिवाइड करूं वेरिएबल से तो वो पॉलीनोमियल नहीं होगा, या नहीं तो डिवाइड अगर वेरिएबल से हो रहा तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर किसी वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव है तो वो पॉलीनोमियल नहीं होगा, उसमें आप टर्म काउंट नहीं कर सकते हो। अब अनम्यूट कर रहा हूं, कुछ डाउट है तो पूछो आप, किसी को कोई डाउट है? सर मेरे को डाउट है, सर देखो ना आप जो 15 बाय एक्स लिखे हो तो सर मैं 15 बाय 1x भी लिख सकता हूँ। हाँ, अब मैं x को हटाया तो 15 बाय 1 हो गया, मतलब 15, तो सर ये तो मोनोमियल हो गया ना फिर। हाँ देखो ना, अभी आप 15 बाय 1 तो ले लिए है ना, ये आपका हो गया, और इसी के साथ आपका x डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर आपका वेरिएबल हो गया ना, एक तो नंबर है लेकिन एक आपका वेरिएबल भी हो गया ना, तो वेरिएबल अगर आप डिवाइड, रुक जाओ, अगर आप डिवाइड वेरिएबल से कर रहे हो तो वो आपका पॉलीनोमियल नहीं होगा,
सर चलो ना, इसको अपन 15 x भी लिख सकते हैं ट्रांसफर करके। कैसे कर सकते हो ट्रांसफर बताओ ना आप। आप अगर ये मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी तो कर रहे हो ना, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, सेम से डिवाइड भी करेंगे। तो अब आपका इक्वेशन 15x अपॉन x स्क्वायर आया। तो अब अभी भी तो आपका ये आ गया, डिवाइड कर रहे हो ना आप वेरिएबल से। अगर 15 बार बन ही रहेगा, कोई वेरिएबल नहीं आएगा सर, तो कोई वेरिएबल नहीं आएगा तो आपका वो पॉलीनोमियल है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, डिवाइड वेरिएबल से नहीं होना चाहिए। लेकिन तो पॉलीनोमियल इसमें एक एक चीज का और ध्यान रखना, अगर मैं सिर्फ रूट अंडर एक्स रखूं तो रूट अंडर मींस एक्स टू द पावर 1/2, तो आपका जो एक्सपोनेंट आ रहा है ये एक्सपोनेंट किसमें आया, फ्रैक्शन में आया, किसमें आया ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन भी पॉलीनोमियल नहीं होगा, फ्रैक्शन आपका पॉलीनोमियल नहीं होगा। आपका पॉलीनोमियल का जो एक्सपोनेंट है ना वो आपका होल नंबर होना चाहिए, मींस 0, 1, 2, 3, 4 Going soon. वो एक्सपोनेंट अगर होल नंबर है तो पॉलीनोमियल है, अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो वो नहीं होगा, और अगर वो फ्रैक्शन में है एक्सपोनेंट जैसे 1/2 है ना, 1/3, तो वो भी आपका पॉलीनोमियल नहीं होगा। सर मतलब उसका पावर का वेरी नहीं करेगा जब वो पूरा नंबर ही मतलब देखो रहेगा तभी वो वेरी करेगा। ये जो पावर है ना, पावर आपका 0, 1, 2, 3 ऐसे गोइंग सोन, ये सब आपका है वो आपका पॉलीनोमियल आएगा, लेकिन फ्रैक्शन है तो नहीं होगा, नेगेटिव आ गया तो नहीं होगा। सर 0, 1, 2, 3 फिर अगर x टू द पावर 1 रहेगा तो पॉलीनोमियल हो जाएगा। होता ही तो है बेटा, अभी मैं दे रहा हूँ ना x, तो x क्या है, x टू द पावर 1 ही तो है, ये तो आपका मोनोमियल आता है कि नहीं, ये मोनोमियल है। सर हाँ सर, सर जैसे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया तो क्या आंसर दे सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय x का? आपको आइडेंटिफाई